भी द स्टोरी ऑफ स्पाई, तो लिटरली था ट्रेलर उसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने एक जी फाइव पे एपिसोड भी देख लिया, मतलब मेरे को जी फाइव का फ्री सब्सक्रिप्शन मिला तो सोचा भाई देख लेता हूँ मैं जी फाइव का एपिसोड मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई की कहानी। इतनी इंटरेस्टिंग थी एपिसोड वन, मैंने फ्री लगाया भाई लिटरली, तो मजा आता है। आप इस तरह की स्टोरी, मतलब हमारे पास देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये नया है, लेकिन ये कुछ नया है, कुछ नया है भाई लिटरली। इसकी एक जो कॉन्सेप्ट आपको दी ना, वो लिटरली एक बहुत बड़ा पावर एक क्रिएट करती है, एक मतलब रिक्रिएशन टाइप का होता है। कि हम बहुत सारे जैसे एंटी स्टैक देख चुके हैं कि कश्मीर की लड़ाई है, सब लोग उसी के पीछे जा रहे हैं, लेकिन एक मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई की जो इतना बड़ा जो जंग होता है ना, बिना आपके रॉ आइडेंटिटी या कुछ भी स्पाई की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक दूसरे की इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस स्टोरी ने करो नायर ने भाई, हैट्स ऑफ दिस बंदे ने किया, अलग लेवल की कहानी की भाई, लेकिन मतलब जोरदार। जी फाइव का एक सबसे पावरफुल स्टोरी, पावरफुल आइडियोलॉजी के साथ एक इंटरेस्टिंग जी फाइव के साथ कंटेंट आया। मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन जितना अभी स्टार्टिंग किया ना, मैंने सोचा कि एक रिव्यू तो बनता है। तो पार्ट वन है अभी ये इसका, और पार्ट टू मैं फाइनल जब इसे पूरा कंप्लीट करूंगा, मुखबिर द स्टोरी ऑफ स्पाई की कहानी, तो मैं वापस आऊंगा और कुछ शॉर्ट्स में उसकी झलकियां जरूर देखेंगे। मैं कुछ कुछ इसके सीन्स पर डिस्कशन तो जरूर करने वाला, शॉर्ट्स में आने वाली शॉर्ट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आने वाला है द सक्सेस स्टोरी ऑफ मूवी ब्लॉग्स, तो काफी चेंजेस आएंगी, काफी इंटरेस्टिंग आएंगी। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल नेशन एंड द ब्यूटीफुल स्टाइल मूवी द स्टोरी ऑफ स्पाई के ट्रेलर कैसा लगा एंड द फर्स्ट एपिसोड करीब। बस कमेंट कर लीजिए, बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।